नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज की नई चुचलेबाजी वीडियो में। तो आज की इस नई चुचलेबाजी वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी, देखना या ना देखना दोनों आपके हाथ में है और आपके दिमाग में भी है। बस एक क्लिक और से मेरी वीडियो ख़त्म, और एक क्लिक से आप रुके हुए देखोगे। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखते हो तब भी धन्यवाद आपका, और नहीं देखते तब भी चलिए। तो चलो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है कि आपने सुना होगा उन नाम को, कहीं ना कहीं जानते होंगे। तो देखो, और बहुत कम लोग ऐसे इस चीज़ को जानते होंगे, या फिर जो भी जानते होंगे अलग की बात है। चलो हम शुरुआत करते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वो लोग लौट आइए। हमेशा ये चोचलेबाजी की वीडियो में ऐसे बकबक बकबक करता और कुछ बताता नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट, VC और AG, AI मतलब AI आर्टिफिशियल वाला मौसम है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो देखो, सबसे बात पहली चीज़ आती है कि एंजल इन्वेस्टर अलग है और VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, दोनों अलग हैं। एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स के अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं, और अर्ली स्टेज में उस इन्वेस्ट स्टार्टअप के जो फाउंडर CEO CFO जो भी कुछ होते हैं उस इन्वेस्टमेंट में, वो उस स्टार्टअप में वो बहुत ज़्यादा अपना इक्विटी लेते हैं, मतलब शेयर लेते हैं। लगभग एक डिपेंड अपॉन करता है कितना पैसा वो डाल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो सब कुछ खुद से रिसर्च करते हैं, इस स्टार्टअप के बारे में खुद से रिसर्च करेंगे, उनकी कोई टीम नहीं होती, या फिर अलग अलग तरीके से जो भी कुछ है वो, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ ही, मतलब एक तरीके से ना समझो कि सोलो होते हैं वो। तो एंजल इन्वेस्टर अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। इससे ये क्या होता है कि उनके पास ना उस स्टार्टअप की ना बहुत ज़्यादा इक्विटी हो जाती है, उनके पास शेयर होल्डिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर वो स्टार्टअप एज ए फ्यूचर आगे ग्रोथ करता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं एंजल इन्वेस्टर, वो लगभग 30-40% का इन्वेस्टमेंट और वो अर्न करते हैं। तो ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर लगभग किसी भी स्टार्टअप में $1 million तक का इन्वेस्ट करते हैं। मतलब देखो, वहाँ पे एक $1 million और $1 billion दोनों डिफरेंट हैं। $1 million इज कॉल टू 7 से 8 करोड़ लगभग हो जाएगा आज के टाइम में, और $1 billion मतलब 750 करोड़, मतलब अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन डॉलर का रेट से इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि मिलियन में बात हो रही है ना कि बिलियन में बात हो रही है। तो एंजल इन्वेस्टर मिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सिंगल इन्वेस्ट करते हैं, उनकी रिसर्च खुद से होती है। तो ये एंजल इन्वेस्टर कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर हैं, जब अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो किसी दिन हम शार्क टैंक पर भी चर्चा करेंगे कि शार्क टैंक है क्या। शार्क टैंक पर बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर आते हैं, जैसे अनुपम हो गए, अमन हो गए, और रितेश अग्रवाल भी हो गए, और पीयूष बंसल हो गए, अश्विनी ग्रोवर हो गए, और विनीता हो गई, नमिता हो गई, और ऐसे इन शॉर्ट्स का फाउंडर नाम नहीं याद आ रहा कोई, जिसान ऐसे कुछ करके नाम है हुआ। तो एंजल इन्वेस्टर खुद होते हैं। अगर आपके पास 500-600 करोड़, 100 करोड़ भी है ना, तो आप एक तरीके से एंजल इन्वेस्टर हो सकते हो। अब बात आती है वेंचर कैपिटलिस्ट की। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं कि मतलब एक तरीके से फर्म होती हैं और लोग होते हैं, कंपनियां भी होती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट खुद पैसा अपना नहीं डालते, ये उस इन्वेस्ट वहाँ पे पैसा डालते हैं जो स्टार्टअप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बना रहा है, बिजनेस अच्छा खासा रन कर रहा है, उसमें ये पैसा डालते हैं। ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा लेके अलग अलग तरीके से ये पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे एंजल इन्वेस्टर में क्या करता है, अगर आपको कभी जाना हो तो एंजल इन्वेस्टर गूगल टाइप करो, एंजल इन्वेस्टर इन इंडिया गूगल करते हो तो आपको दिल्ली मुंबई एंजल इन्वेस्टर, दिल्ली एंजल इन्वेस्टर, हैदराबाद, बैंगलोर एंजल इन्वेस्टर, ऐसे होते हैं। तो बात यहाँ पे थोड़ी अलग थी। अब हम कम बैक करते हैं अपने इस वीडियो पे, और हमारी जो वीडियो है अभी बात कर रहे थे मैं वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे होते हैं कि वो बहुत पैसा डालते हैं और क्या बोलते हैं, वो अच्छा खासा रिटर्न और इक्विटी दोनों डालते हैं। एक बहुत उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे अच्छा रिटर्न देगा ये इन्वेस्टर और ये कंपनी। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर फर्म होती हैं, उनको VLC पार्टनर बोलते हैं। वो बहुत सारे लोगों से पैसा लेके, जस्ट समझ लो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से मिलता जुलता होता है, मतलब बहुत सारे से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के ऐसे करते हैं। तो
वेंचर कैपिटलिस्ट ये होते हैं कि बहुत सारे लोगों का पैसा लेके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अर्ली स्टेज में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो मिड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कंपनी का फाउंडर कैसा है, लॉयल है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, या फिर उसका पैशन कैसा है, फोकस कैसा है, इस चीज़ पे बहुत हाँ। और ये लोग ना रिसर्च करते हैं, इनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास टीम होती है पूरी किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, तो कुछ ऐसे ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी आज की चोचलेबाजी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट में बता भी सकते हो। और बस यार, हमारी चोचलेबाजी वीडियो ऐसे रोज़ आती रहेगी एक नई वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात ही नहीं है, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, और फिर हम चोचलेबाजी करेंगे किसी नई वीडियो में। अगर आपको कोई कमेंट या कोई टॉपिक चाहते हो कि यार चलो इस टॉपिक पे भी एक दिन चोचलेबाजी कर दो, तो नीचे आप कमेंट में लिख देना, हम उस बारे में उस वीडियो में भी थोड़े बहुत चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।